वेरी वेरी वार्म एंड ग्रेट वेलकम ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो आज जीके की सीरीज 1 मई 2021 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं एक प्यारे से कोटेशन के साथ, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है कि पॉजिटिविटी तो बहुत कम दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ, देखिए बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी अगर हम लाएंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। तो ये एक प्यारा सा हमारे तरफ से यहाँ पे स्टार्टिंग दी गई है कि आज का ये जो COVID-19 का इतना बड़ा पैंडेमिक फैला हुआ है, ये टाइम भी बस बीत जाएगा। तो आपको रखना है भरोसा अपनों का साथ, और हमेशा जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसको फॉलो करना है। तो आज हमारे पास आ रहा है 1 मई का क्वेश्चन 1। तो यहाँ पर है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी इन इंडिया। तो यहाँ पर वित्त सचिव किसे बनाया गया है ये बताना है क्वेश्चन। जनरली फाइनेंस मिनिस्टर तो सबको पता ही होते हैं कि वित्त मंत्री जो हैं वो है निर्मला सीतारमण जी। फर्स्ट टाइम फुल फ्लेज अगर कहें कि किनको एक तरह से ये मौका मिला, तो ये मिला हमारी मिसेज जो ग्रेट वित्त मंत्री रही, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बजट लेके आई हैं, निर्मला सीतारमण जी। इससे पहले क्या कोई महिला फाइनेंस मिनिस्टर रही थी? जी हाँ, रही थी इंदिरा गांधी, जब वो एज अ पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन एक फुल फ्लेज चार्ज की फॉर्म में कहा जाए तो वो संभाला है चार्ज अभी जो करंटली फाइनेंस मिनिस्टर है। तो क्वेश्चन है, वित्त सचिव कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? ऑप्शंस है हमारे पास, टीएस विश्वनाथन है, अनुराग सिंह है, भगत शर्मा है, आशीष सिंह है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीएस विश्वनाथन, जिन्हें अपॉइंट किया गया है 29th of April 2021 को, और जो कि सबसे सीनियर मोस्ट भी थे इस डिपार्टमेंट पे। एक्चुअली ये एक्सपेंडिचर जो एक तरह से डिपार्टमेंट होता है उसमें एक सीनियर ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, कार्मिक मंत्रालय यानी जो पर्सोनल डिपार्टमेंट होता है उनके द्वारा कहा गया है कि व्यय के जो सचिव है, मींस जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी जो थे, जिनका नाम है टीवी सोमनाथन, इनको याद कर सकते हैं कि आजकल जो टाइम है वो बड़ा ही एक तरह से मुश्किल घड़ी है, लोग घरों में हैं तो वो देख रहे हैं टीवी, यहां से याद रख सकते हैं। टीवी सोमनाथन को वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है, और ये तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो देखिए, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं इनके जो सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, वो कितने रुपए वाले नोट पे मिलेंगे? तो हमेशा याद रखना है ओनली 1 रुपी का जो नोट होता है उसके ऊपर ही हमें फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर मिलेंगे, जो कि हैं टीवी सोमनाथन। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सोमवार को हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, तो इससे भी वेरी इजी टू कोरिलेट। और इसके साथ साथ अगर हमारी कोई भी करेंसी होती है तो उसके ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं, उसके ऊपर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रम दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1st of May, 29th of April, 24th of April, 30th of April। तो इसका सही जवाब है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये बनाया जाता है हर साल मई 1 को, हैप्पी लेबर डे यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सुदर्शन पटनायक जो कि ओडिशा से हैं, हमेशा बहुत अच्छी क्रिएचर बनाते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम 1886 को, 1886 को यहाँ पर सबसे पहले ये डे जो है एक तरह से ऑब्जर्व किया गया, और ये डे जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है ILO के द्वारा। ये डे 1886 की याद में बनाया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत बड़ा श्रम जो होते हैं, मतलब लेबरर्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया गया था। वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि 18-18 घंटे उन्हें काम करना पड़ता था, और जो कंडीशंस होती थी, जिन कंडीशंस में वो काम करते थे, वो भी सेफ एंड साउंड नहीं होती थी। तो इंटरनेशनल लेबर डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 1 मई को, जो कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसे हम बोलते हैं लेबर डे, मजदूर दिवस भी बोलते हैं, मे डे भी बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? टू पे ट्राइब्यूट, एक मतलब श्रद्धांजलि देना है, जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, चाहे कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे हम कहें कि मुकेश अंबानी जो है, इनका भी जो घर है वो किसने बनाया है, भले उसको डिजाइन तो बड़े बड़े इंजीनियर्स करते हैं, लेकिन इंजीनियर्स हो, आर्किटेक्चर हो, लेकिन उसको एक कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे काम कौन करता है, वो एक वर्कर ही करता है। तो उन्हीं के लिए ये स्पेशल डे है। चाहे आप कोई भी मशीनरी देख रहे हैं, जो आज हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जब भी काम करने की बात आती है तो वहां पे हार्डवर्क किया जाता है इन वर्कर्स के द्वारा। तो यहाँ पे एक स्पेशल डे इनको डेडिकेट किया हुआ है कि इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, इनको इग्नोर ना किया जाए। तो यही लाइन है यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रोवाइड देम विद देयर राइट टू वर्क फॉर ओनली 8 आवर्स। पहले उनको 18-18 घंटे काम करवाया जाता था, और जो कंडीशंस होती थी वो भी अनहेल्दी होती थी, उनके कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता था, दूर दूर तक ऐसी चीजें नहीं मिलती थी। तो ILO के द्वारा, मींस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर चेयरमैन की बात करें, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कौन है, तो वो है गे राइडर। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि गाय क्या कर रही है, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वो राइड कर रही है बाइक को, ऐसे याद कर सकते हैं, गे राइडर मींस आप इमेजिन कीजिए, गाय ने चश्मा लगा रखा और वो एक बाइक को राइड कर रही है। जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा बड़ा इजी एंड लॉन्ग वे तक वो चीजें रिटेन रहती है, अगर हम थोड़ा सा ट्रिक से कोरिलेट करते हैं। ILO के हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो ये हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, और स्विट्जरलैंड जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है। तो इन इंडिया लेबर डे जो है, श्रम दिवस जो है, ये ऑब्जर्व किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और कामगार दिन के रूप में। और आज बहुत ही स्पेशल डे है, इसके साथ साथ यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का भी प्रकाश दिवस है, तो बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं गुरु जी को। थीम की बात करें कि इंटरनेशनल लेबर डे की थीम क्या रही है, द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड COVID-19 पैंडेमिक, सिक्योरिंग वर्कर्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द अचीवमेंट्स विद इन कंपनीज। बहुत लंबा सा थीम है। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया था COVID-19, कोविड का मतलब है यहाँ पे कोरोना, क्योंकि इसकी जो शेप है कोरोना की वो कैसी है, क्राउन लाइक है, यानी राजा का जो मुकुट होता है उस टाइप से है। एंड VI का मतलब हो जाता है वायरस, एंड D का मतलब हो जाता है यहाँ पर डिजीज। और 19 इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि 2019 के अंदर पहली बार केस जो था कोविड का वो ऑब्जर्व किया गया। और पैंडेमिक मैं आपको रूट वर्ड में करवा ही चुकी हूँ, यानी एक ऐसी डिजीज, एक ऐसी महामारी जिसका पूरी धरती पे, पूरे ग्लोब पे असर हो। ओके, तो आज एक और स्पेशल डे हो गया है, दो स्टेट्स का बर्थडे हम बोल सकते हैं। जी हाँ, तो व्हेन इज महाराष्ट्र एंड गुजरात फाउंडेशन डे ऑब्जर्व। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, बट मैं ऑप्शन दे देती हूँ उसका देने का, क्योंकि कोई फायदा भी नहीं है, वो आपको पता ही है। 1 मई, 2 मई, 3 मई,
या 4th of May है इसका सही जवाब। तो फटाफट बताइए, आई होप आपको पता ही लग गया होगा इमेज देख के। तो 1st of May जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1st of May 1960, 1960 को ये बने थे, मीन्स ये दोनों स्टेट्स बनी थी। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का एक तरह से यहाँ पे मैप लिया गया है इंडिया के मैप में से, एंड यहाँ पे गुजरात स्टेट को हम देख सकते हैं। तो आज दोनों का ही है बर्थडे। तो गुजरात की बात करते हैं, आपने बहुत सारे टूरिज्म से रिलेटेड भी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी कि कुछ दिन तो पधारिए गुजरात में, जो कि एडवर्टाइजमेंट की जाती है अमिताभ बच्चन जी के द्वारा, जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी रहे थे गुजरात के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। बट अब तो कोविड, ये जो पैंडेमिक फैला हुआ है, सबको एक जगह ही मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड होना पड़ रहा है। तो चलिए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, नाम से ही है, गांधी जी आ गए हैं तो गांधीनगर कैपिटल है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं सीएम ऑफ गुजरात जो कि है विजय रूपाणी जी। एंड गवर्नर ऑफ गुजरात की बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत, यहाँ पर हम इनका इमेज देख सकते हैं। और यहाँ पे है हमारे महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी। अगर देखिए यहाँ पे बात की जाए राज्यसभा की सीट्स की, तो ये है 11। लोकसभा की सीट्स की 26, यानी 26 MP आते हैं। इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, एक बार नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली जो एड्रेस की थी गुजरात में, उसमें उन्होंने कहा था 26 में से 26, क्योंकि 26 के 26 बीजेपी के एमपी थे, इसलिए ये एक तरह से डिमार्केशन उन्होंने दिया था। राज्यसभा में 11 MPs आते हैं एंड विधानसभा सीट्स जो है वहां से आते हैं 182। 182 से एक और चीज भी कोरिलेट हो सकती है, दुनिया की सबसे लंबी अगर हम स्टेचू कहें तो वो है स्टेचू ऑफ यूनिटी, और इसका जो एक साइज रखा गया है वो भी 182 मीटर ही रखा गया है। और क्योंकि यहाँ पे टोटल 182 MPs है, इसीलिए बहुत इजी हो जाता है वर्ल्ड में एक तरह से नंबर 1 पे आना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बन गया है, यूनिटी ऑफ स्टैचू, जिसमें इमेज है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, जो पहले एक तरह से गृह मंत्री भी रहे थे, जो अभी करंटली अमित शाह है, गृह मंत्री में होम मिनिस्टर रहे थे। इसके अलावा सोमनाथ का मंदिर है यहाँ पे, बहुत भव्य तरीके से बना हुआ है, जिसको महमूद गजनवी ने बहुत बार लूटा था। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था और हमेशा उसने सोमनाथ के मंदिर को टारगेट किया था, क्योंकि पहले के जो मंदिर होते थे वो राजा की सांप्रदायिकता, उसकी संपन्नता को दिखाते थे। तो बहुत अच्छा भव्य मंदिर है। और अगर हम बात करें कि 12 ज्योतिर्लिंग जो है, जो कि भगवान शिव जी जी को समर्पित है, उनमें से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो कि है गुजरात के अंदर। और भी बहुत सारे हम यहाँ पे इमेजेस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर डांस की बात की जाए तो यहाँ पे गरबा वगैरह इस तरह का, मतलब डांडिया, ये परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग नवरात्रिज। और नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं स्टेट वाइज में। सीएम की बात करते हैं तो ये है उद्धव ठाकरे जी, जो कि है शिवसेना से। और यहाँ पर हम देख सकते हैं गवर्नर राज्यपाल जो है वो है भगत सिंह कोश्यारी जी। राज्यसभा की सीट्स की बात करें तो वो 48 है। एक और देखिए, इसको 48 नंबर को कैसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। 48 नंबर के हमारे सीजीआई भी बने हैं, कौन से हैं क्या आप नाम बता सकते हैं कमेंट करके। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, उनका नाम है एनवी रमना सीजीआई, जो कि न्यायमूर्ति एनवी रमना चीफ जस्टिस बने हैं 48। वहीं से राज्यसभा की सीट्स को भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। लोकसभा की सीट्स जो हैं वो 19 हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज यहाँ पे कर देते हैं, एक्चुअली लोकसभा की ज्यादा सीट्स होंगी, 48 हैं।
48 है एंड राज्यसभा की है 19, ये करेक्शन कर लेते हैं। एंड विधानसभा की सीट्स हम देख सकते हैं 288 है। और एक चीज और, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दो चीजें हैं यहाँ पे, तो द्वि जो हम कह सकते हैं कि सदनी है, बाई कैमरलिज्म है यहाँ पे, बाई कैमरलिज्म। और यहाँ पे विधान परिषद से ही चुने गए हैं उद्धव ठाकरे जी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ताज होटल, जिसपे 26/11 जो होता है, 26/11 का हमला हुआ था। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर है, और बहुत भव्य तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है, एक तरह से गणेश उत्सव जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था भारतीयों की एकता को जोड़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना वीडियो को ना भूलिएगा। इसी तरह से मैं कविता एजुकेशनल वीडियोस लाती रहूंगी, और आप इसी तरह से हमारे साथ बनिए रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा, स्टे ट्यून एंड वियर द मास्क व्हेनेवर यू आर गोइंग एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग।